नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रियल लाइव। मैं प्रीति सिंह। चलिए नजर डालेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। औरंगाबाद के दाऊद नगर में नशे के कारोबार के खिलाफ सड़कों पर उतरे LJPR कार्यकर्ता और ग्रामीण, जागरूकता मार्च निकाल कर जताया आक्रोश। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा साल 2016 में शराबबंदी कानून लाया गया था, लेकिन यह कानून पूरी तरह से विफल रहा, क्योंकि जहां पूर्व में पंचायत स्तर पर शराब की दुकान हुआ करती थी, लेकिन शराबबंदी के बाद यह दुकान हर गाँव में 4 से 5 की संख्या में चलाई जा रही है। शराबबंदी के कारण शराब कारोबारियों को मोटी रकम की कमाई होने लगी है। जो शराब 2016 के पहले 12 रुपए में मिला करती थी, आज वही शराब 100 रुपए में मिलती है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग इस कारोबार में संलिप्त हो गए हैं। आज बिहार सरकार शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन बिहार की जनता जबरदस्ती थोपे गए इस कानून को मानने को तैयार ही नहीं है, जिसके बाद यह कानून टाई टाई फिस हो गई है। यही वजह है कि आज आम आवाम, खासकर जागरूकता लाने और नशीली वस्तुओं के कारोबारियों के खिलाफ सतत अभियान जारी रखने के लिए आक्रोश मार्च निकाला। यह मार्च दाऊद नगर के प्रखंड कार्यालय के पास से निकलकर अनुमंडल कार्यालय तक पहुंचा, जहां मार्च का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने SDO मनोज कुमार और SDPO कुमार ऋषिराज को बिहार के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। आज शराबबंदी कानून लागू हुए बिहार में 8 साल गुजर गए और बिहार के द्वारा नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि बड़े पैमाने पर इसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। आखिर क्या वजह हुआ कि आज प्रदर्शन निकाले? प्रदर्शन नहीं, जन जागरूकता रैली है। क्योंकि सरकार हमारी है तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। हम NDA का हिस्सा है और चिराग पासवान का जो विजन डॉक्यूमेंट है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इसका मतलब हम बिहारी हितों को उपेक्षा नहीं कर सकते। बिहार में ड्रग का पेनिट्रेशन बढ़ा है, प्रतिबंधित दवाएँ मेडिकल स्टोर से भी बिक रही हैं। शराबबंदी का जो विजन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का था, वो चाहते थे कि बिहार खुशहाल बने, लोग नशा से दूर रहें, लेकिन हम अगर अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखेंगे, अपने घर और पड़ोस के लोगों पर नज़र नहीं रखेंगे, और हम सारी अपेक्षाएं माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्थानीय प्रशासन से रखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं नैतिक रूप से कमज़ोर हैं। हम जनता को जगाने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जनता को जगाने के लिए दाऊद नगर प्रखंड मुख्यालय से लेकर के और अनुमंडल मुख्यालय तक यह मार्च कर रहे हैं, ताकि जनता के अंदर यह जन जागृति आए और ड्रग्स के खिलाफ सचेत हों, अपने बच्चों पर नज़र रखें। हम रोने के बजाय इसके पहले कि मामला हमारे हाथ से निकल जाए, पूरा समाज अंधकार में चला जाए, उसके पहले हम लोगों को जागृत करना चाहते हैं। हम उनसे समर्थन चाहते हैं कि आप प्रशासन को सूचना दीजिए, ड्रग सप्लाई करने वाले को चेन को ब्रेक करिए, अपने बच्चों पर नज़र रखिए। क्या हुआ था आखिर दाऊद नगर में, कुछ हुआ था क्या कि जिसके चलते आप? दाऊद नगर में हमारे पास 30 अभिभावकों का एक के शिष्टमंडल मेरे से मिलने आया था और उन्होंने कहा कि प्रकाश जी, राजनीति जो लोग करते हैं, अधिकांश लोग सिर्फ नकारात्मक बातें ही करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आप सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप एक जन जागरूकता रैली निकालिए, लोगों को जागरूक करिए और प्रशासन को भी इस ओर और विशेष ध्यान आकर्षित कराइए। प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसमें और तेजी होनी चाहिए, इसके लिए या उनके अभिभावकों के अनुरोध पर मैंने ये मार्च किया है। सर, आज यहाँ पर हमारे जो एक लोजपा प्रत्याशी रह चुके हैं प्रकाश चंद्रा जी, इनके द्वारा एक जागरूकता रैली निकाला गया और उनसे भी मिला गया, क्या सर इसके? ये रैली नशा विमुक्ति, जो हाल फिलहाल में ड्रग्स का सेवन बढ़ा है समाज में, उसके संबंध में था जन जागरूकता रैली, और इस संबंध में प्रशासन और पुलिस भी मुस्तैद है। अभी हाल में दाऊद नगर पुलिस के द्वारा भी ड्रग्स पकड़ा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जब सामाजिक बात है तो लोगों से भी मेरी अपील होगी कि आप लोग भी जो बच्चे इसमें लगे हुए हैं उनके गार्जियंस खुलकर सामने आएँ और हम लोग को बताएं, पुलिस को प्रशासन को सूचित करें, ताकि हम लोग जो ड्रग्स का नेटवर्क है उसको ध्वस्त कर सकें।
सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, 16 से बंद हुआ था जो हमारे बिहार में है, शराब बंदी 16 में लागू हो गई थी जी, लेकिन 8 साल में उसको समाप्त नहीं किया गया बल्कि शराब से हम ड्रग्स पर आ गए, इसमें कहाँ कमी आ रही सर, इसे क्या कहें? ये सब मामला ये नहीं है, 2016 से बंद है, उसके अनुसार जो एक्ट आया और पुलिस और प्रशासन अपना कार्रवाई कर रहा है, इसके बीच में कोई ऐसा स्टडी नहीं हुआ है कि वो बंद होने से बढ़ा है या क्या है, वो सब स्टडी होगा और छपेगा तब आ सकता है, अभी कोई कोरिलेशन वैसा नहीं। युवाओं में इस प्रकार का चीज़ें बढ़ रही है सर, आज नशा मुक्ति इस तरह हावी हो गया है औरंगाबाद में कि लोग को गांव से अबान कर सड़क पर उतरना पड़ा, जागरूकता के लिए हमारे लोजपा प्रत्याशी जो है, एक आपके सामने एक आवेदन लेकर भी आए हैं, आपसे विज्ञप्ति लेकर आए हैं, आखिर क्या कारण है सर ऐसा क्या? जी इस संदर्भ में अभी पुलिस DSP साहब ने बताया, पुलिस अपना काम कर रही है, 2 दिन पहले भी यहाँ दुकान में पकड़ाया है, उससे छानबीन की जा रही है, पुलिस और प्रशासन इस बिंदु पर काम कर रही है, इसके अलावा प्रशासन और पुलिस की तरफ से भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, कुछ हर ब्लॉक में पॉइंट बने हैं, इलाका डिसाइड हुआ है जहाँ के हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता फैले, समझे कि उसकी कितनी बुराई चीज़ है, उसको अमल नहीं करना चाहिए और कानूनी रूप से भी जो भी पकड़ा रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बड़ी बड़ी नेटवर्क दाऊदनगर में है। हाँ, तो इसीलिए बोले जागरूकता का भी चलाया जा रहा है, जो पकड़ाया उससे छानबीन की जा रही है ताकि कहाँ से ये स्रोत है उसका उजागर किया जा सके। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज़ UNI के साथ। Personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, SME loan, car loan, इंश्योरेंस। सो लेट मत कीजिए, जल्दी से वेलमेंट फाइनेंस के वेबसाइट पे जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।